इस्लामा टेक्स्ट फॉर वेल्थ में आपका हार्दिक अभिनंदन। स्क्रूटनी असेसमेंट, जी हां ठीक सुना आपने, स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी इनकम टैक्स के संदर्भ में एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चिंता सताने लगती है। जी हां चिंता जग जाहिर है, क्योंकि स्क्रूटनी चीज ही ऐसी है। स्क्रूटनी किस प्रकार होती है इनकम टैक्स में, आज के वीडियो में जानने का प्रयत्न करेंगे। जब कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ युद्ध का बुगुल बजाना चाहता है, तब तब आपको स्क्रूटनी नोटिस भेजता है। स्क्रूटनी नोटिस इस बात की सूचना है कि डिपार्टमेंट अब आपके हाथ लिटिगेशन में जाने को तैयार है। जो डॉक्यूमेंट्स, जो रिटर्न्स आपने प्रस्तुत की थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे मानने को तैयार नहीं है। जब कभी स्क्रूटनी असेसमेंट करनी है तो डिपार्टमेंट ऐसी दशा में उस असेसी को 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस देगा। 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस आना ही इस बात का संकेत है कि अब आपकी जो असेसमेंट होगी वो स्क्रूटनी के माध्यम से होगी। स्क्रूटनी एक टफ प्रोसीजर है जिससे आपको अब गुजरना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि धारा 143 सब धारा 2 में आपको स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए नोटिस कब प्राप्त हो सकता है। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि 143 धारा 2 का नोटिस आपको तभी आ सकता है जब आपने अपनी आयकर विवरणी दाखिल कर दी। चाहे वो विवरणी आपने सेक्शन 139 में दाखिल की है या इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 दाखिल की है। रिटर्न फाइल होना बहुत जरूरी है 143 धारा 2 के नोटिस आने के लिए। जब तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, ऐसी दशा में आपको 143-2 नहीं आ सकता। 143-2 का नोटिस आपको आया है, आपने उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, तो ऐसी दशा में असेसिंग ऑफिसर के पास अधिकार है कि वो आपकी 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वो होती है जो उसको अवेलेबल रिकॉर्ड के बिहाफ पर ठीक लगेगा कि इतनी इनकम आपकी होनी चाहिए, जो उसकी बेस्ट जजमेंट है उतने पर आपकी इनकम वो असेस कर देगा। लेकिन 143-2 भेजने के अधिकार का प्रयोग एक आयकर अधिकारी कब करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके तीन कारण हो सकते हैं, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इन तीन कारणों की वजह से ही 143-2 आ सकता है। कारण नंबर एक, जब असेसी ने अपनी कोई इनकम अंडरस्टेट कर रखी है, जो रिटर्न ऑफ इनकम आपने भरी है उसमें आपने अपनी वास्तविक इनकम से कम इनकम दर्शाई है। दूसरा, आपने अपनी आयकर विवरणी में अत्यधिक लॉस क्लेम किया है, जितना लॉस है उसे ओवर लॉस दिखाया है। थर्ड, आपने किसी भी तरह से कोई भी कर कम पे करा है। जब आपके आयकर अधिकारी को यह लग रहा है कि इन तीन कारणों में से एक कारण भी है, तो आपको 143 सब धारा 2 का नोटिस वो भेज सकता है। यहां पे यह भी नोट कर लीजिए दोस्तों, 143-2 के नोटिस की सर्विस होनी बहुत जरूरी है। केवल 143-2 का नोटिस इशू होना ही सफिशिएंट नहीं है। जब तक 143-2 के नोटिस की प्रॉपर सर्विस नहीं हो जाती, यह वैलिड नोटिस नहीं माना जाएगा। अगली बात, क्या 143-2 का नोटिस इशू करने की कोई समय सीमा है? जी हां दोस्तों, 143-2 में आपको प्रेम पत्र भेजने के लिए
आयकर अधिकारी के पास एक समय सीमा निर्धारित है। वो समय सीमा क्या है ध्यान से सुनिएगा, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड। यानी अगर आपने असेसमेंट 19-20 की रिटर्न 30 सितंबर 2019 को फाइल की थी तो ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। 31 मार्च 2020 के बाद 6 महीने 30 सितंबर 2020 को खत्म होंगे। यानी जो रिटर्न आपने 30 सितंबर 2019 को भरी थी उसके संदर्भ में स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए केवल 31 मार्च 2020 तक ही आपको चिट्ठी आ सकती थी। अगर इस डेट के बाद आपके पास कोई चिट्ठी इस तरह की प्राप्त हुई है या इस तरह का नोटिस आया है तो नोट कर लीजिए, किसी सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपका यह नोटिस वैध नोटिस नहीं है, यह नोटिस बैड इन लॉ है। यहां पे यह भी जरूरी है जानना, जो अब मैं बोलने जा रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 30 सितंबर 2020 जो मैंने 6 महीने का टाइम बताया, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड, उस डेट तक नोटिस इश्यू होना जरूरी नहीं है, उस डेट तक नोटिस की सर्विस होना जरूरी है। अगर नोटिस उसने इश्यू कर दिया था लेकिन वो 30 सितंबर 2020 तक किसी तरह आपको प्राप्त नहीं हुआ, तब भी ये नोटिस बैड इन लॉ है। आगे चलते हैं, क्या कहेगा नोटिस आ गया, अब जो आप जवाब देना चाहते हैं, अब बारी आपकी, अब बोल आपके पाले में, नाउ यू हैव टू रिप्लाई। 143(2) का नोटिस आया है तो आपको मैंने बताया कि 3 कारणों में है, 1 कारण से आएगा, तो आपके पास अपनी भरी गई आयकर विवरणी के एक्सपेंसेस जो क्लेम किए हैं, जो डिडक्शंस आपने क्लेम की हैं, जो इनकम आपने दिखाई हैं, जो अजम्पशंस आपने क्लेम की हैं, उसके सपोर्ट में जितने भी एविडेंसेस हैं या जितनी भी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप प्रोड्यूस कीजिए। यहां पर आपको अलगलजी नहीं करनी है, यहां पर आपने लेजीनेस नहीं दिखानी है। Try your best to provide him the best evidences in support of any of the claims you have taken in your return. If you have furnished the best evidences, it may possible that it might close the hands of the assessing officer or to make any harsh assessment. तो ये 143(2) का नोटिस आने के बाद जवाब देने के लिए ध्यान देने वाली बातें मैंने बताई। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 143(2) का जो नोटिस आएगा, जल्दी 3 तरह की स्क्रूटनी हो रही है आजकल। एक, पहली ध्यान से सुनिएगा, 3 तरह की स्क्रूटनी कौन कौन सी है। पहली लिमिटेड स्क्रूटनी, दूसरी कंप्लीट स्क्रूटनी, थर्ड मैनुअल स्क्रूटनी। जौन सी भी स्क्रूटनी आपके केस में होनी है वो आपका 143(2) का नोटिस आपको बताएगा। पहले लिमिटेड स्क्रूटनी को सुन लेते हैं। लिमिटेड स्क्रूटनी का मतलब है कि उसमें कारण लिखा जाएगा कि किस कारण की वजह से उसे लग रहा है कि आपकी इनकम आपने कम दर्शाई है, और जो कारण आपने लिखा है उसी के लिए स्क्रूटनी की जाएगी। इसमें असेसिंग ऑफिसर को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि जो रीजन स्क्रूटनी के लिए उसने 143(2) के लिमिटेड स्क्रूटनी के नोटिस में बताया है उस अधिकार से बाहर जा सके। किसी भी सिचुएशन में उस अधिकार से बाहर नहीं जा सकता और उस अधिकार का विस्तृत प्रयोग नहीं कर सकता। कंप्लीट स्क्रूटनी, कंप्लीट स्क्रूटनी में उसकी जांच का दायरा विस्तृत हो जाता है। विस्तृत होने का मतलब यह है कि आयकर रिटर्न के संदर्भ में केवल उसी पॉइंट पे वो जानकारी नहीं करेगा,
वो आपके उस वित्तीय वर्ष के संदर्भ में आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जितने भी क्लेम आपने रिटर्न में मेड किए हैं उसके लिए जो कुछ भी वो इंक्वायर करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन अगर वो लिमिटेड स्क्रूटनी को कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट करना चाहता है तो कोई प्रोसीजर है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। अगर किसी असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि लिमिटेड स्क्रूटनी को कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट करना चाहिए तो विद द अप्रूवल ऑफ देयर हायर अथॉरिटी ही और शी कैन कन्वर्ट द केस ऑफ लिमिटेड स्क्रूटनी इनटू द कंप्लीट स्क्रूटनी। मैनुअल स्क्रूटनी कब होती है? मैनुअल स्क्रूटनी जनरली 147, 148 के केसेस में या सर्च के केसेस में या ऐसी केसेस में जहां पर असेसी ने रिटर्न नहीं भरी है, जहां पर उसकी इनकम को असेस करने के लिए उसका केस मैनुअल रूप से स्क्रूटनी में लेना अनिवार्य है। इसके लिए सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या जिसे हम शॉर्ट में बोर्ड कहते हैं हर साल क्राइटेरिया निर्धारित करता है कि कौन कौन से केसेस मैनुअल स्क्रूटनी में आएंगे। तो जब कभी आपको 143 सब धारा 2 का नोटिस आए तो कृपया ध्यान दीजिए कि वो लिमिटेड स्क्रूटनी का नोटिस है या कंप्लीट स्क्रूटनी का नोटिस है या मैनुअल स्क्रूटनी का नोटिस है, उसी के बाद आप आगे बढ़िए। एक अंत में और छोटी सी बात, अगर आपने 143(2) का नोटिस का जवाब दिया है और उस जवाब को सुनने के बाद समझने के बाद असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि आपकी कुछ खर्चे डिस अलाउंस करने चाहिए, कुछ डिडक्शंस को मना करना चाहिए, कुछ अजम्पशंस को कम करना चाहिए, वट एवर एडिशन दे वांट टू प्रपोज द एओ इज ड्यूटी बाउंड टू इशू ए शो कॉज नोटिस, फाइनल शो कॉज नोटिस टू द एसएससी बिफोर मेकिंग सच एडजस्टमेंट। अगर ये फाइनल शो कॉज नोटिस आपको आया है तो इसका भी अच्छे से जवाब दीजिए कि जो कारण वो मांग रहा है कि ये आपकी इनकम क्यों ना मानी जाए या ये खर्चे क्यों ना डिसअलाउड कर दिए जाएं या ये एग्जम्पशन या डिडक्शंस क्यों ना डिनाई कर दिए जाएं, तो उसमें आप अपना मत रखिए, अपने विचार रखिए, अपनी पोजीशन को अच्छे से बताइए, उसके द्वारा लगाए गए क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉस एग्जामिन कीजिए। क्रॉस एग्जामिन का अधिकार यहाँ पर आपको देना अनिवार्य है और ओनली आफ्टर रिसीविंग द रिप्लाई फ्रॉम द एसएससी अगेंस्ट शो कॉज नोटिस इश्यूड बाय द हिम फॉर मेकिंग प्रपोज्ड एडजस्टमेंट और प्रपोज्ड एडिशंस ही और शी कैन डिसाइड टू मेक द एडिशन और टू ड्रॉप द एडिशंस। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3 विच डील विद रेगुलर असेसमेंट और स्क्रूटनी असेसमेंट विच आई होप इज मोस्ट रेलेवेंट टू दी यू। और मुझे उम्मीद भी है इस बात की कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और स्क्रूटनी को लेके आपके मन में जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह के डाउट हैं, उनमें से काफी डाउट ये दूर करने में सक्षम रहा होगा। और इसी तरह के वीडियो लेके मैं आपके सामने आता रहूंगा, आपका ज्ञान बढ़ाता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मनोज लांबा का प्यार भरा नमस्कार।